नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले के सिरमौर जनपद सीओ पर जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट ने सिमरिया से भाजपा विधायक केपी त्रिपाठी को आपराधिक धाराओं के तहत नामजद किया है। इसके साथ ही उन्हें 8 दिसंबर को अगली पेशी पर हाजिर होने के लिए सम्मन जारी किया है। न्यायालय में दायर परिवाद की सुनवाई में पेश साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने विधायक सहित अन्य को आरोपी बनाया है। गौरतलब है कि 16 अगस्त को सिरमौर जनपद पंचायत के सीईओ एसके मिश्रा पर सिमरिया थाना क्षेत्र के ग्राम पुरबा के समीप जानलेवा हमला किया गया था। घटना उस वक्त हुई थी जब विधायक केपी त्रिपाठी द्वारा जनपद पंचायत सीईओ को फोन पर धमकाने वाला ऑडियो वायरल हुआ था। मामले में पुलिस ने विनय शुक्ला, मनीष शुक्ला, सत्यवान सिंह पटेल, ध्रुव तिवारी सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे घटनाक्रम की साजिश में पीड़ित ने विधायक केपी त्रिपाठी पर आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस ने कोर्ट में जो चालान पेश किया है उसमें विधायक की भूमिका का उल्लेख नहीं है। इस कारण पीड़ित ने सिरमौर न्यायालय में परिवाद दायर किया था। परिवाद की सुनवाई के दौरान न्यायालय में पेश साक्ष्यों की सुनवाई और घटना में विधायक की संलिप्तता के पर्याप्त साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शित मानते हुए न्यायालय ने उन्हें धारा 341, 294, 342, 147, 148, 149, 353, 332, 325, 333 के तहत नामजद किया है। न्यायालय ने 8 दिसंबर को विधायक को हाजिर होने के लिए सम्मन जारी किया है। साथ ही इस मामले में विवेक गौतम, अंकित विश्वकर्मा को भी नामजद किया गया है। अपने बयान में सीईओ ने इनका नाम दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस ने एफआईआर में इनका नाम अलग कर दिया था। जांच का हवाला देकर पुलिस ने मामले का चालान पेश किया है। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पुलिस को 3 बिंदुओं पर जांच कर रिपोर्ट 8 दिसंबर को पेश करने के निर्देश दिए हैं। अधिवक्ता राजेश सिंह ने बताया कि इनमें सीओ व विधायक के बीच हुई बातचीत का सीडीआर लेना और बातचीत की ऑडियो की रिकॉर्डिंग की जांच करवाना, प्रकरण में शामिल आरोपियों की सीडीआर व टावर लोकेशन संकलित करना, शासकीय वाहन में तोड़फोड़ की नुकसानी के संबंध में साक्ष्य एकत्रित करना शामिल है। इन बिंदुओं पर पुलिस जांच कर न्यायालय में प्रतिवेदन पेश करेगी। आइए आपको सुनाते हैं विधायक केपी त्रिपाठी पर दर्ज हुए मामले को लेकर पीड़ित के अधिवक्ता और हमारे संवाददाता आरिफ खान की सीधी बात। हेलो, हाँ सर नमस्कार, आरिफ बोल रहे तेज खबर न्यूज चैनल से। जी जी सर, एक जानकारी चाहिए थी। जी बताइएगा सर। ये जो सिमरिया में सीओ जनपद मारपीट हुई थी सीओ के साथ, जी 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 जी, उसमें शायद आप उनके वकील थे। जी तो सर, कल न्यायालय ने उनको संज्ञान में ले लिया मामले को। जी जी जी, क्या मामला क्या था सर? मामला ये था कि सीओ के साथ बहस हुई थी विधायक जी की। जी जी, और उस बहस के एक दो घंटे बाद सीओ साहब बसामन मामा में गौशाला की किसी मीटिंग में गए थे। जी जी, और लौटते समय उनके साथ कई लोगों ने घेराबंदी करके गाड़ी को रोक के निकाल के गंभीर मारपीट की थी, जिसमें 307 का प्रकरण दर्ज हुआ था कई लोगों के ऊपर नामजद। और उसमें फरियादी द्वारा केपी त्रिपाठी का नाम भी बताया गया था, लेकिन वो रूलिंग पार्टी के विधायक है, इसका अर्थ उनका नाम लिखा नहीं गया था और इन्वेस्टिगेशन में भी पुलिस ने नहीं लिया उनको। जो लोग पकड़े गए थे उनके ऊपर 307 लगा के पेश किया था, लेकिन चालान में 307 का की गंभीर धारा भी हटा दी थी राजनीतिक दबाव में। जी, बाद में उसमें मोबाइल भी सीओ साहब के उठा ले गए थे मारपीट के बाद, उसी में एक आवेदन लगाया गया था जिसमें कोर्ट ने केपी त्रिपाठी को इन्वॉल्व माना है, उनके खिलाफ 353, 332, 147, 148, 120 बी के अपराध में संज्ञान ले लिया है कल, और उनको सम्मन जारी कर दिया है उपस्थित होने के लिए प्रकरण में। चलिए, तो गंभीर धाराएं कहलाती है, तो इसमें क्या नॉर्मल आदमी तो गिरफ्तार भी हो सकती है? इसमें नॉर्मल व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन बाद में मुलजिम बनाया गया है तो कोर्ट ने वारंट ना जारी करके सम्मन जारी किया है। कुल मिलाकर उनकी जमानत होगी प्रकरण में अब, और आरोपी बना लिया गया है, कोर्ट ने उनको संज्ञान ले लिया है, उनके खिलाफ जमाना के आपराधिक प्रकरण में वो इन्वॉल्व है। जी जी, ये किस न्यायालय से फैसला हुआ सर? ये सिरमौर न्यायालय में न्यायिक दंडाधिकारी महोदय अमित शर्मा जी है। जी सर, सिमरिया मजिस्ट्रेट उनके द्वारा किया हुआ। जी जी, धन्यवाद।